हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने लिखा है कि आप ऐसी गलती मत करना वरना बर्बाद हो जाओगे। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि काफी क्रिएटर अभी यूट्यूब पे ऐसे हैं जो ये गलती कर रहे हैं और वो लोगों को अभी अंदाजा नहीं है कि वो लोग ये गलती करेंगे तो उसके बाद उनका कितना भारी नुकसान होने वाला है। अगर आप भी एक नए क्रिएटर हैं और आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी यूट्यूब पे शौकीन है वीडियो बनाने की तो आपको भी ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों लिखा कि आप ऐसी गलती ना करें वरना बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों अभी काफी क्रिएटर है जो हमारे उनको अपनी बर्बादी का अंदाजा है ही नहीं। अभी वो लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर मतलब वीडियो बना रहे हैं। मैं यहाँ पे नाम तो किसी का लेना नहीं चाहूंगी, पर यहाँ पर मतलब जैसे काफी क्रिएटर होते हैं जो किसी को रोस्ट कर देते हैं वीडियो में या किसी के बारे में बताते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उन टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, उनके टॉपिक वायरल हो जाते हैं, उन पे बहुत अच्छे व्यूज आ जाते हैं। पर ऐसा वो लोग गलती करते हैं, पर उनका ऐसी गलती करने में कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि ऐसी गलती अगर आप करते हैं, अगर आप किसी को रोस्ट कर देते हैं, आप बना रहे हैं टैग कैटेगरी की वीडियो, तो आपकी टैग कैटेगरी की वीडियो तो कोई देखना पसंद करेगा ही नहीं। आपने अगर एक रोस्ट वीडियो बना दी तो आपकी वो रोस्टिंग वीडियो ही सारे लोग देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने बना दी किसी के ऊपर, मनोज दे फेक है, मनोज दे ऐसा है, मनोज दे वैसा है, अगर मेरी वो वीडियो वायरल हो जाए, गलती से भी मेरी वो वीडियो वायरल हो जाती है, तो मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइबर आएंगे, जो व्यूअर होंगे, वो क्या करेंगे, वो मनोज दे के ऊपर ही वीडियो देखना पसंद करेंगे। आप लोग समझते होंगे कि वो लोग मनोज दे के ऊपर ही वीडियो देखना पसंद करेंगे और आपकी चैनल की जो कैटेगरी है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, क्योंकि फिर आप उस पे डालेंगे 1000 सब्सक्राइबर किस तरीके से बनाए, 4000 घंटे का वॉच टाइम किस तरीके से बनाए, तो आपके चैनल पे वो कोई भी नहीं देखेगा। आई होप आप लोग समझते होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी कैटेगरी को वैसा ही रखना है, अगर आपको अच्छे से यूट्यूबर बनना है, तो आप लोगों को शुरुआत में उस टॉपिक पर वीडियो बनानी है जिस टॉपिक पे आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को रोस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही रोस्टिंग चैनल खोलना है। ये नहीं कि आपने अपनी कैटेगरी बना ली टैग कैटेगरी, उसमें किसी को रोस्ट करने लगे तो आपकी कैटेगरी बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, या आप हमेशा किसी को रोस्ट करते रहेंगे तभी तक आपका चैनल चल पाएगा, वरना आपका चैनल नहीं चलेगा। आप लोगों ने काफी चैनल ऐसे देखे होंगे कि जिसकी जैसे बीच बीच में कोई वीडियो वायरल हो जाती है, फिर उसके बाद उनकी वो वीडियो पे तो काफी अच्छे सब्सक्राइबर भी उनके चैनल पे हो जाते हैं और उनकी वो वीडियो वायरल भी हो जाती है, पर जब वो नई वीडियो डालते हैं, वो फिर किसी की और कैटेगरी की वीडियो डालने लगते हैं, तो उनकी वीडियो पे 50-60 व्यूज ही आते हैं। आप लोगों ने ऐसे चैनल भी देखे होंगे जिनके सब्सक्राइबर लाखों में है, पर उनके चैनल पे व्यूज आते हैं 100-200 या 1000 तक। तो आप लोग सोचते होंगे इन्होंने ऐसी क्या गलती की जो इनके चैनल पे ऐसे व्यूज आ रहे हैं, तो मैंने भी आपको बता दिया है कि आपको यही गलती नहीं करनी है। आप जिस कैटेगरी की वीडियो बना रहे हैं आपको उसी कैटेगरी के बारे में सभी को बताना है, क्योंकि आपके व्यूअर हैं, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, वो आपके चैनल पे यही देखने के लिए आए हैं और आप लोग दूसरे टॉपिक की तरफ भाग रहे हैं। तो अगर आप दूसरे तरीके के सब्सक्राइबर अपने चैनल पे लाते हैं तो आप वो सब्सक्राइबर भी आपके चैनल पे वही देखना पसंद करेंगे जो वीडियो आपकी वायरल हो चुकी है। तो आप लोगों को कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिस कंटेंट की आपने मतलब चैनल खोला, जिस कंटेंट के लिए आपको वही कंटेंट अपने व्यूअर को प्रोवाइड कराना है। आपको बिल्कुल भी दूसरा कंटेंट नहीं डालना है अपने चैनल पे, और ये नहीं कि आपने डाल दिया, आप लोग देखते होंगे एक वीडियो वायरल हो जाती है तो लोग उसी पे बहुत सारी वीडियो बनाने लगते हैं ताकि हमारी उन वीडियो पे व्यूज आए, पर उन वीडियो पे तो व्यूज आ जाएंगे, पर जो हम दूसरी वीडियो डालेंगे उस पे हमारे बिल्कुल भी व्यूज सही से नहीं आएंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों को भी पता होगा। तो बस मैंने इस वीडियो में इतना ही बताया। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले और थोड़ा आप मोटिवेशनल हो जाएं। तो आप लोगों को बस एक लाइक करना है, एक सब्सक्राइब करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मतलब फीडबैक दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।